अच्छा लग रहा है। आप और मेरी स्थिति दोनों की एक जैसी है, इसीलिए तो तू इंटरव्यू लेने बैठा। तो सर, संजय सर भी रानीखेत से हैं और वैसे तो सर आपका कहाँ है ससुराल? रानीखेत मेरा ससुराल हुआ पंतकोटी। चल गोलगप्पा खिलाने बोल रहा था, चल चले सर। हाँ चलिए चल। अच्छा आप लोग शेयर करिए किस ट्रिप ब्लॉग है। एंड हमारे साथ थे कुणाल सर एंड बड़ा अच्छा लगा है सर से बात करके और होप फॉर द बेस्ट। जैसे हमारी मूवी आएगी तो हम आपको फिर जैसे भी होता है रूबरू करेंगे। और ये चले गए फ्रेश होने के लिए। बिटाला जी Kishpreet Vlogs, like, share, subscribe and watch Kishpreet. Welcome to Kishpreet Vlog. Hi guys, welcome to Kishpreet Vlog. गाइज सबसे पहले तो कॉन्ग्रेट्स टू मी क्योंकि हमारे 1K प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। सो गाइज अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग कोई आज होम स्टे या कोई रिजॉर्ट नहीं जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ फिलहाल अपने स्कूल जहाँ मैं जॉब करता हूँ ओलंपस। एंड गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे स्कूल में चल रहा है एक मूवी का शूट। उस मूवी का नाम है हैप्पी टीचर्स डे एंड उसको जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो हमारे स्कूल के MD जो सर हैं मिस्टर कुणाल सर। तो इस मूवी को वही डायरेक्ट कर रहे हैं एंड शूटिंग को मतलब फर्स्ट शेड्यूल तो हो गया था 3 मंथ्स पहले एंड अब सेकंड शेड्यूल में उसका सेकंड शूट चल रहा है। सो गाइस आज जो सीक्वेंस है वो है फुटबॉल का और सर ने हम लोगों को भी चांस दे दिया उसमें। तो मैं हूँ और मेरे एक दो कलीग्स और हैं उस मूवी में। सो लेट्स सी, आज कभी फुटबॉल कभी खेला नहीं, सो लेट्स सी। तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ स्कूल और आज हमारा है उसका फुटबॉल का शूट। सो लेट्स सी क्या होता है। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ और कोशिश करूँगा कि ब्लॉगिंग हो पाए वहाँ से। सो गाइज मैं स्कूल पहुँच गया हूँ एंड 7 AM में सबका कॉलिंग टाइम था और जब सब रेडी वेडी हो रहा है, यहाँ पर सेटअप देख सकते हैं आप, देखिए पूरा सेटअप रेडी हो रहा है यहाँ पे। गाइज यहाँ पे स्पॉट दादा चाय वाय कॉफी वॉफी का अरेंजमेंट कर रहे हैं और अभी बाकी एक्टर्स भी आने वाले हैं, संजय मिश्रा और ये सब बड़े बड़े एक्टर्स आने वाले हैं। तो गाइज मैं जा रहा हूँ अभी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के पास क्योंकि कल जो वो कपड़े लेके आई थी वो मुझे फिट आए नहीं, तो मैं उन्हीं के पास लेके जा रहा हूँ। आइए हम लोग चल रहे हैं। हाय जोशी सर, कॉस्ट्यूम रूम आ चुका है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कॉस्ट्यूम रूम। इस क्लास को कॉस्ट्यूम रूम बनाया हुआ है। हाँ जी सर, आया कुछ आया। हमारे नाप का वो ना कौन सा ये ओके अब कॉलर वाली हो गई है। गाइस इनके लिए महीने में हमने बहुत मेहनत की है, कल हमने इनके कपड़े ले जाए थे बट इनको कुछ नहीं आया। हमने कल फिर गए और पूरी तरह से ढूंढा है और हर दुकान में ढूंढ के देखा है, लास्ट एक ऑप्शन मिला है वो लेके आ गए भैया जी को, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारी टैग है प्लीज। थैंक यू। तो आपका नाम? मेरा नाम मौसिम। मौसिम, तो अभी हमारे साथ थे मौसिम जी और ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जी के साथ मुंबई असिस्टेंट हैं और वे मुंबई से आए हैं। तो कल इन्होंने काफ़ी मशक्कत करी है कपड़ों के लिए, आप बस आई प्रे कि ये मुझे आ जाए किसी तरह। लेट्स सी, तो मैं चेंज करके एक बार कर लूँगा। सो गाइस टी शर्ट तो मुझे आ गई है देखिए, बट थोड़ा सा लोअर थोड़ा सा लेंथ उसकी बड़ी हो रही, तो भैया वो कर रहे हैं इसको ऑल्टर कर रहे हैं। इनने ना मेरे को बहुत परेशान करके रखा हर चीज़ की। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा उसको नैरो भी बना दो, बहुत नीचे चौड़ा है वो।
और हमारे साथ हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर मैम माधुरी मैम. यस शी इज माधुरी मैम, शी इज फ्रॉम मुंबई. थैंक यू मैम. सो अभी हमारे बीच हमारे मित्र अनुराग वर्मा जी जो थिएटर से जुड़े हुए हैं और काफ़ी एक्टिंग में और डायरेक्शन में उनका बहुत योगदान रहा है, काफ़ी सालों से देहरादून में है, रुड़की से हैं. तो आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं. हमारे बीच हैं अनुराग वर्मा जी. हेलो, कैसे हैं आप सब? हाँ जी. तो सर कैसा लग रहा है आपको इस मूवी में काम करके, आपके क्या एक्सपीरियंस? काम करके तो अच्छा ही लगता है, खाली रहने से और पढ़ाने में मज़ा आता है, काम करने में तो और ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि प्रैक्टिकल है यहाँ पे. और यहाँ सब दोस्त हैं, ये सारा पूरा का पूरा माहौल वैसा नहीं है, तो यहाँ तो फैमिली जैसा माहौल है और अलग अलग तरह के हमारे साथी जो अलग अलग टाइम पे रहे हैं वो अचानक से यहाँ पे मिले हैं एक साथ, तो अच्छा ही लग रहा है, मज़ा आ रहा है खूब. और अभी बहुत मज़ा आएगा और मतलब तेल भी निकाला जाएगा हम सबका. चलिए सर, थैंक यू सो मच. आज हमने इनको भी किश्त ब्लॉग में ले लिया है, चलें ब्रेकफास्ट करने. चलिए तो गाइस यहाँ पे सबका ब्रेकफास्ट चल रहा है, ये देखिए. और आज ब्रेकफास्ट में है बर्गर और छोले. सो गाइस हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने और मैं अपने कलीग से आपको मिलाता हूँ. हमारे साथ है राहुल सर और नितीश सर. हेलो. हाय राहुल सर, ये नितीश सर. हाय. और हम लोग कर रहे हैं अभी बर्गर और छोले का नाश्ता. तो कैसी फीलिंग आ रही है सर आज? अमेजिंग है, बहुत बढ़िया था, मज़ा आ रहा. अच्छा, तो गाइज हम लोग ग्राउंड पे आ चुके हैं और मेरे साथ अभिषेक सर भी हैं. और देखिए कैमरा वैमरा लग चुका है यहाँ पे. चलो 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 चलो. और प्रेशर जोशी सर, ये हमारे जोशी सर हैं. और अभी सब लोग हल्का होने के लिए हम लोग जा रहे हैं. और गाइज ये हमारी मैस है यहाँ पे, ये देखिए. और ये चले गए फ्रेश होने के लिए. बिडाला जी. सो गाइस हम लोग ग्राउंड पे आ गए हैं और यहाँ पे सेटअप वेटअप पूरा रेडी हो चुका है. और जो बड़े एक्टर्स हैं संजय मिश्रा और राणा जी, सब लोग आ गए हैं. और ये कुछ माहौल है. हेलो हाय. आपके कैरेक्टर्स बस एक बार मुझे याद दिला दीजिए. मेरा है सर अभिराज. अच्छा, आप अभिराज प्ले कर रहे हैं. आप पिछले सर प्ले पिछले निखिल निखिल जी निखिल जी का कैरेक्टर स्क्रिप्ट. तो गाइस शूट स्टार्ट हो गया है यहाँ पे एंड ये जिमी जिप लगा हुआ है कैमरा. जैके मिश्रा सर सामने जा रहे हैं. क्या लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है. मिश्रा सर सामने. सो गाइज हमने अभी लंच कर लिया है और अब यहाँ पे बारिश का वेदर हो गया है और ये देख सकते हैं आप. एंड अभी यहाँ सब लोग हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. लेट्स सी, देखते हैं सीन होंगे कि नहीं होंगे आगे. और मिश्रा सर उबासी लेते हुए. तो हमारा अभी एक फुटबॉल सीक्वेंस निपट गया है और अभी हम लोग दूसरे सीक्वेंस के लिए आ गए हैं. तो लोग मेकअप रूम में आ चुके हैं. तो गाइस अभी हमारे यहाँ पर होगा मेकअप. सो गाइस अब मेकअप टचअप हो रहा है एंड वर्षा मैम यहाँ पर टचअप कर रही है. तो गाइज सबका मेकअप हो गया है. तो आइए अपने कलीग से हम लोग आपको मिलाते हैं. अमिता मैम, चलते मैम, नीतीश सर, हाय. कैसा लगा मेकअप होके?
ये लोग का सब बहुत अच्छे लग रहा है। मेकअप हो चुका है आपका तो? हम लोग आप तो पहली बार मेकअप हुआ हमारा। सही ब्यूटी है आप तो। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं सेट की तरफ। सो गाइस ये सीन हो रहा है हमारा लाइब्रेरी में, सॉरी स्टाफ रूम का सीन है। एंड सेटअप इज रेडी। ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग है मेरी, ब्लॉगिंग चैनल है। अच्छा यासी सर हैं। हेलो एडी साहब। बोलिए जी। हाँ जी। शर्ट नहीं है आपके पास? शर्ट होगी बिल्कुल। हाँ तुम्हारी जो क्लासेस होती है अभी जो CBSE का रूल आया है आपको सिलेबस पहले भी कंपल्सरी हो सिक्स तक ये सर हाय गाइस, मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ हमारे फिल्मी जगत के बहुत ही महान एक्टर, बहुत प्रसिद्ध कलाकार हमारे बीच हैं, संजय मिश्रा सर। सर वेलकम टू देहरादून। अबे महान ना लोग मरने के बाद होते हैं, तुम भी अभी से महान बोलते हैं। नहीं नहीं सर, और कैसा लग रहा है आपको देहरादून? सर गर्मी लग रहा है थोड़ा तो शायद बारिश आएगी। अच्छा। और देहरादून आते ही कंधा टूट गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप और मेरी स्थिति दोनों की एक जैसी है, इसीलिए तो इंटरव्यू लेने बैठा। तो सर संजय सर भी रानीखेत से हैं और वैसे तो सर आपका कहाँ है ससुराल? रानीखेत मेरा ससुराल हुआ पंतकोटी। पंतकोटी हाँ बुला रहे हैं देखो। अच्छा हम रानीखेत वालों को कोई भी बुला लेता है, मेरा ससुराल है ना। हाँ चलो। मैंने सर से बोला था कि सर मेरे ब्लॉग में आइएगा। सर थैंक यू सो मच। हाँ आप कुछ और कहना चाहेंगे? मैं महान हमारा किश्तप्रीत ब्लॉग है मेरा। हाँ। आप प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किश्तप्रीत ब्लॉग फिर से बोल। किश्तप्रीत ब्लॉग। अब इतनी बार इसने बोल दिया तो मैं नहीं बोलूँगा किश्तप्रीत ब्लॉग। हाँ हाँ बोल दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये सबके साथ सर आपका नाम? कमल जी। कमल जी हाथ जोड़ लीजिए। कमल सर नमस्कार। ये सबके सामने और अभी देखिए यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस होती चल रहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीन में। हाय गाइस गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को और जो सेलिब्रिटीज़ हैं मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे बीच हैं अतुल श्रीवास्तव सर जो मुंबई से आए हैं और बहुत ही नोन फेस हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं। और केविन दवे जी भी हमारे बीच हैं। तो आइए अतुल सर से मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? बस सर और बताइए आपको। हेलो केविन सर। हेलो। तो अतुल सर कैसा लग रहा है देहरादून आके? गुड। अच्छा बहुत अच्छे सीजन में मौसम में हम आए, बारिश से मैं त्रस्त कभी नहीं हो रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। इसलिए कि मुंबई से आया वहाँ पे क्या था, होती तो भी 24 घंटे होती है, यहाँ ये तो होती है फिर रुक जाती है, ऐसा वाला होता है। तो एक अच्छे मौसम का आनंद ले रहे, मज़ा आ रहा है। अच्छा अभी मुंबई में तो काफ़ी बारिश होगी सर? बहुत। अच्छा और केविन सर आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। आप फर्स्ट टाइम आए देहरादून? नहीं सेकंड टाइम। अच्छा अच्छा तो इससे पहले मतलब शूट के लिए आए थे? इसके पहले भी शूट के लिए आए। अच्छा जब भी आए शूट के लिए। बहुत अच्छा सिटी है। अच्छा और अच्छी वाइब्स मिलती है। और तो आसपास की जगह हैं आप यहाँ पे कभी गए हैं? मसूरी में घूमने का अभी तक टाइम नहीं मिला है, उसके लिए मैं आराम से आऊँगा। अच्छा
और अतुल सर गए मसूरी? अच्छा, अभी अभी आपने लेटेस्ट कश्मीर फाइल्स करी थी, उसमें तो शूटिंग में ही किया था। अच्छा, उसके अलावा बहुत गया हूँ देहरादून के आसपास, सब देखा हुआ। अच्छा, काफ़ी अच्छा है। मैं कई बार आना हुआ है, तो अपने पटुग्राम से भी आना हुआ। अच्छा, तो घूमने स्पेशली आया हूँ उत्तराखंड जी, तब भी आ चुका हूँ। आस पास में श्रीनगर भी देखा हुआ है। श्रीनगर? अच्छा, श्रीनगर गढ़वाल यहीं वाला है अपना, चंबा यहीं वाला, चंबा यहीं वाला ऊपर जो है जी, वो सब चमोली अमोली सब देखा हुआ है। अच्छा, हाँ, बंद हो गया। टेरी, न्यू टेरी में शूट किया था, 32 किलोमीटर चालू, 32 किलोमीटर चालू। हाँ, तो उसमें तो उसकी शूट भी दे रहा था, 3 दिन आया था। तो कई बार अच्छा सिटी, मज़ा आता है, बहुत बढ़िया लोग हैं, अच्छे अच्छे सारे शादी है, सबसे अच्छी चीज़ तो यही है ना। हाँ, यहाँ पर और शूटिंग फ्रेंडली लोग हैं। सही बात, बिल्कुल। हाँ, ये तंग नहीं करता है, सड़क पर भी हो रही है तो कोई नहीं, बड़ा अच्छा। तो सर, मेरा किशप्रीत करके ब्लॉग है, चैनल है, और तो आज आप, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे चैनल में आप लोग, आप जैसे लोग इतने आए हैं, आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये मिलने बहुत ही बड़ी बात है, सम्मान की बात है, सही बात है, गौरवशाली आज हम लोग फील कर रहे हैं। और हमारी पूरी टीम यहाँ पे पीछे बैठे हैं, हमारे राहुल सर, अभिषेक सर, नवीन सर, और ये पूरा हमारा सेट लग रहा है अभी। अतुल सर, थैंक यू सो मच। नवीन सर, थैंक यू। देखिए, मैं ये अब तैयारी कर रहा हूँ शूटिंग के लिए, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जो आप लोग शेयर करिए, किशप्रीत ब्लॉग ब्लॉग है, उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और ज़्यादा लोगों को बताइए, शेयर मतलब बताइए, है ना। थैंक यू, बाय। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। और देखिए, यहाँ पे ऑडियंस बैठाई हुई है, हमारे स्कूल के ये टीचर्स, फैकल्टीज, बच्चे, सभी लोग हैं यहाँ पे। फिट इंडिया, इसको मैं लिख देता हूँ फैट इंडिया। सो गाइज, अभी हमारा चल रहा है एक सीन का शूट, और जो सिनेमाटोग्राफर हैं, उनके असिस्टेंट हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, ऑलमोस्ट सब लोग केरला से हैं। हाय गाइस, सो आज हमारा है 4th day, एंड फुटबॉल सीक्वेंस बढ़ता ही जा रहा है। एंड मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, अभी क्या चल रहा है फिलहाल, ये देखिए। सो गाइस, हालत ऐसी होगी, बिल्कुल टैनिंग होगी ये धूप में बहुत ही ज़्यादा। और अभी हम लोग जा रहे हैं स्पॉट दादा के पास, शमशाद दादा, कॉफ़ी आगे आपका ही सर, ये देखो आपका। थैंक यू को दो में कर दो। ये शमशाद दादा हैं, मुंबई से आए हैं हमारे, और बहुत हमारे सेवा भाव वाले हैं, हमें कॉफ़ी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। ये दादा दूसरे दादा हैं इनके, देहरादून से हैं आप, क्या बात है, चलो थैंक यू दादा। यस, और ये स्टूडेंट, और हमारे बीच विजेंद्र काला जी भी पहुंच चुके हैं। हाय, हेलो, हाय। सो गाइस, अभी हमारा इसके बाद और सीन होने वाले हैं, और फुटबॉल में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो चलिए अभी आपसे थोड़ी देर में रूबरू फिर से होते हूँ।
गाइस अभी एक सीन का शूट हुआ है। देखिए मिश्रा सर की वो बन रहा है, उनके शूट में थोड़ा सा दिक्कत आई। चल गोलगप्पा खिलाने बोल रहा था। चल चले सर। हाँ चलिए। चल चलिए। तो मैं संजय सर के साथ जा रहा हूँ गोलगप्पा। पैसा कौन देगा संजय सर? मैं दूंगा। आप चलने वाले तो बनिए बस। दही वाले कहाँ जा रहे हैं? किसके यहाँ? दही वाले खाएंगे, पानी वाले। वहाँ पहुँच के देखते हैं। दही का भी गोलगप्पा होता है? अरे बहुत ज़बरदस्त, यही बनता होगा। हाँ तो संजय सर के साथ अभी हम लोग जा रहे हैं गोलगप्पा खाने। हाँ गाड़ी निकालिए कमल जी। अभी अभी मेरा पैक द फक अप है। अबे रोस्टेड बाजरा है भाई। अरे जो उस दिन खिलाए थे जा रहे गोलगप्पा खाने। नया है बे। अतुल सर भी चलेंगे ना? बस अभी चलेंगे गोलगप्पा खाने के। अतुल सर मना कर रहे हैं। बोलो खाओ वहाँ खुद ही बढ़िया गोलगप्पा में। असिस्टेंट डायरेक्टर सर अरविंद सर, LP लाइन प्रोड्यूसर हमारे अनुराग भाई। पहले लिया मुझे क्या? हाँ 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 पहले वो पहले शॉट में। हाँ जी सर। क्या हाय गाइस गुड मॉर्निंग। सो आज शूट का लास्ट डे है एंड आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हैं। वो चाहे डायरेक्शन फील्ड हो, प्रोड्यूसर एज अ सिंगर, एज एन एक्टर और भी कई सारी चीज़ें हैं। जो हमारी अपकमिंग मूवी है 5th September हैप्पी टीचर्स डे, उसके डायरेक्टर मिस्टर कुणाल शमशेर मल्ला सर। तो आइए मैं आपको उनसे मुलाकात करवाता हूँ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय सर, सबसे पहले तो वेलकम टू किश प्रीत ब्लॉग एंड सर थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो सर आपका इस जो फर्स्ट हिंदी फीचर फिल्म है एज अ डायरेक्टर जी, तो सर कैसा आपको लग रहा है और क्या क्या आपने कब से प्लानिंग कर रहे थे इस मूवी के लिए? हमें 3 साल तो लगे स्क्रिप्ट में ही लिखने में, स्क्रिप्ट को लिखने में। फिर उसके बाद वी टुक अबाउट 1.5 years टू 2 years टू जस्ट डू प्री प्रोडक्शन ऑन द फिल्म। ओके जी जी जी। एंड वी डिड द फिल्म इन टू स्केड्यूल्स एंड इट टुक अस अबाउट 35 days टू शूट द होल फिल्म। 35 days? यस पूरी मूवी के लिए सर जी। ओके और सर फर्स्ट टाइम जैसा आपका ये एक्सपीरियंस है तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? हम लोग तो जानते हैं लेकिन ऑडियंस आपसे सुनना चाह रही थी। नॉट प्रॉब्लम्स इन द सेंस दैट थोड़ा सा स्केड्यूल्स में प्रॉब्लम होता है, स्पेशली गेटिंग डेट्स फ्रॉम सीनियर एक्टर्स बिकम्स अ टास्क कि आप सबके डेट्स मैच करके कैसे शूट करें, स्पेशली अ मल्टी स्टारर फिल्म वेयर यू हैव लॉट ऑफ एक्टर्स हु कम फ्रॉम मुंबई जी। तो उनके साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है बिकॉज दे आर रेगुलरली डूइंग वर्क एंड दे आर डूइंग वर्क इन बिग प्रोडक्शंस। तो उनके लिए वही प्रॉब्लम होता है कि हमारे साथ सब एक्टर्स के डेट मैच करने, बिकॉज हमें स्पेशली फॉर फुटबॉल वी रिक्वायर्ड ऑल द एक्टर्स टुगेदर। एक्चुअली प्रॉब्लम आती है कि आपको टाइम से ख़त्म करना है, दैट्स द बिगेस्ट। और उसमें आपको क्रिएटिविटी भी लानी है, उसमें आपको एक्टिंग भी करवानी है, उसमें आपको बेस्ट से बेस्ट निकाल के देना है। और वो एक पूरी टीम 100 लोग की टीम को लेके जब चलते हैं आप, जिसमें आपका डायरेक्शन टीम होता है, प्रोडक्शन टीम होता है, मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग फ्रॉम योर स्पॉट एडिटर, एवरीवन हैज़ टू बी टुगेदर इन सिंक टू डू अ गुड फिल्म। और आई फील द टीम वाज वेरी गुड एंड मज़ा आया शूट करने में और इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम्स रहती हैं बिकॉज दैट्स ह्यूमन एरर इज ऑलवेज देयर, बट ओवरऑल जो प्रोडक्ट निकलता है अगर वो अच्छा निकलता है तो यू नो यू फील गुड अबाउट एवरीथिंग। एग्जैक्टली जी जी। सो सर इस मूवी का स्क्रीनिंग कब तक ऑडियंस सोच सकती है? नेक्स्ट ईयर समटाइम नेक्स्ट। इस साल तो मुश्किल ही होगा बिकॉज इट विल टेक टाइम टू एडिट द फिल्म एंड कलर फिर म्यूजिक, क्योंकि हमारे लिए म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है बिकॉज खुद ही एक म्यूजिशियन सिंगर
होने के नाते हमें लगता है कि म्यूज़िक आर इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन एवरी पार्ट ऑफ आर लाइफ. हर कण कण में म्यूज़िक है, चाहे हवा की आवाज़ सुन ले वो म्यूज़िक है. तो वो बहुत ज़रूरी है कि उसको ठीक तरीके से पिरोना फिल्म में. और फिर कलर्स हैं, फिर एडिट है, तो काफ़ी समय. अभी तो सिर्फ रॉ वेजिटेबल्स रखी हैं, पूरी सब्जी बनानी बाकी है. ओके सर जी, सर थैंक यू सो मच. और हम इस मूवी के लिए बेस्ट विशेज रहेंगी, और हम लोग, हमको भी इंतज़ार रहेगा, हमारी फैमिली को भी इंतज़ार रहेगा. एंड मैं अपने कलीग्स की तरफ से भी थैंक यू कहना चाहूँगा, मिस्टर नितीश, मिस्टर अभिषेक एंड मिस्टर राहुल वालिया, कि आपने सबको अपॉर्चुनिटी दी. एक थैंक यू. एंड ये मेरे लिए एक सौभाग्य का काम है कि मैं एक यहाँ पिक्चर बना सका उत्तराखंड में. और जब मैंने सबसे पहले एक वीडियो बनाया था, तो हमने यही बोला था कि हम इंडस्ट्री को यहीं लाएंगे, अपनी एक इंडस्ट्री क्रिएट करेंगे उत्तराखंड में. जो मेरे को बहुत गर्व होता है कि मैं उत्तराखंड में रह के एक कमर्शियल फीचर फिल्म बना सका. मेरा आप लोग को जो ये फिल्म दिखाने का मकसद था, और जो सब फिल्म मेकर्स का होता है, कि एक मैं आपको एक सुंदर कहानी प्रस्तुत करूँ, और कोई मकसद नहीं है. और वो सुंदर कहानी जो हम लोग ने बनाई, जो लिखी थी और जो शूट करी है, बहुत बढ़िया है. बहुत एक एक सोसाइटी को एक मैसेज देती है. एक एक हंसी मजाक है, एक थोड़ा एक्साइटमेंट है, थोड़ा गेम्स है. तो एक पॉजिटिव फिल्म हम लोग बना के चले हैं. तो मुझे आशा है आप लोग सबको बहुत पसंद आएगी, और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग सब जाएं. और अगर थिएटर्स में लगती तो थिएटर्स में देखें, अगर OTT पे आती तो OTT पे देखें. और थैंक यू क्रिश, प्रीत, आप सबको कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि अपने चैनल पे आए और कुछ बात कर सके. थैंक यू सर. थैंक यू टू यू कि आप हमारे चैनल पे आए हैं. थैंक यू सो मच. इट्स अ प्लेजर. थैंक यू सर. थैंक यू वंस अगेन. एंड हमारे साथ थे कुणाल सर, एंड बड़ा अच्छा लगा सर से बात करके. और होप फॉर द बेस्ट, जैसे हमारी मूवी आएगी तो हम आपको फिर जैसे भी होता है रूबरू करेंगे. सर थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू सो मच. हाय गाइस, सो 5th सितंबर के अभी मैं सेट पे हूँ, एंड फाइनली पैकअप हो चुका है और शूट ओवर हो चुका है फुल मूवी का. एंड कल हमारी रैपअप पार्टी भी थी यहाँ पे, सब लोग पूरे क्रू मेंबर्स आप देख सकते हैं. और आज हमारा जो सॉन्ग था हैप्पी टीचर्स डे, जो टाइटल सॉन्ग है, आज हमारा उसका शूट था. सो फाइनली बड़ा मज़ा आया सेट में, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला नए एक्टर्स के साथ. एंड थैंक यू ऑल्सो वंस अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. बहुत मज़ा आया सबके. सर मैंने सब्सक्राइब कर दिया है. थैंक यू. ये BTS की टीम है. मैं एक बार, सर ने हमें लिया नहीं है तो नहीं, खुद को आना पड़ रहा है सामने से. हमें जबरदस्ती इनके ब्लॉग में घुसना पड़ रहा है, तब हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं. एक महीने से गोली दे रहे हैं, लेंगे पर हमें बैटरी लो हो गई थी लास्ट टाइम. सर बैटरी फुल दिख रही है हमें अभी. नहीं नहीं, मैं GoPro से शूट करता हूं, तो अभी तो फोन से करना. सर वो तो GoPro तो है सर, हमें तो दिख रहा है GoPro. कहाँ है GoPro? सामने तो है. GoPro तो है सर. अच्छा प्लीज, आपके BTS का कौन सी कंपनी से? वो तो शूट गुरु इनकी कंपनी का नाम है, और आप देख सकते हैं. तो इस मूवी का पूरा BTS शूट गुरु की टीम ने किया है. सो एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू आपके ब्लॉग में लेने के लिए. और ये हमारे क्लैपर साहब विभोर भाई. नहीं नहीं, हमारा सपना को पूरा करने का, बिना क्लैप के नहीं दिखा सकते इनको. चलिए गो बाय. थैंक यू सो मच. टेक केयर. Kishpit Vlogs. Like, share, subscribe and watch. Kishpit Vlogs. Welcome to Kishpit Vlogs.